देन नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्लास सिक्स्थ का जो चैप्टर फिफ्थ है बॉडी मूवमेंट्स, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पिवोटल जॉइंट। ठीक है, पिवोटल जॉइंट भी इसको बोलते हैं, पिवोटल जॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जॉइंट आपके बॉडी में कहाँ पर मिलेगा? द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट द हेड इज़ ए पिवोटल जॉइंट। क्या है? जहाँ पर हमारी जो गर्दन है हेड के साथ जुड़ी होती है, उस वहाँ पर आपका पिवोटल जॉइंट मिलता है। इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड टू आवर लेफ्ट एंड राइट। तो ये जहाँ पर ये पिवोटल जॉइंट मिलता है, ये हमारे हेड और नेक में मिलता है। ठीक है, हेड और नेक का जो जॉइंट होता है वहाँ पर पिवोटल जॉइंट होता है, जहाँ पर आपकी नेक जो है वो हेड के साथ जॉइंट होती है, जुड़ी होती है। तो या इस जॉइंट की हेल्प से हम अपने हेड को, अपना जो जो खोपड़ी है, जो अपना सिर है, उसको बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। जैसे मैंने अभी इमेज में दिखाया था आपको, जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हम अपनी गर्दन को बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम मोड़ सकते हैं, और राइट और लेफ्ट में भी हम अपनी जो गर्दन है उसको बेंड कर सकते हैं। ट्राई दिस मूवमेंट। हाउ आर दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आवर आर्म दैट कैन रोटेट कम्प्लीट सर्कल। ठीक है, तो ये जो पिवोटल जॉइंट की जो मूवमेंट है वो हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट है वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है, लेकिन पिवोटल जॉइंट जो है वो सिर्फ बैकवर्ड और फॉरवर्ड और लेफ्ट राइट में मूव कर सकता है। देन इन अ पिवोटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट इन अ रिंग। क्या है पिवोटल जॉइंट में, क्या है, एक जो सिलेंड्रिकल बोन है वो एक रिंग में रोटेट करती है। मैं आपको एक इमेज के थ्रू बताती हूँ। ये जैसे इस इमेज में देखो, आपकी जो ये टू बोन्स है ना, ये अटैच होती है, ये आपके हेड की बोन होगी, ये आपकी नीचे नेक की बोन होगी। ठीक है, और इस बोन का जो सेंटर पार्ट है, जैसे ये आपकी यहाँ पर आपकी क्या है, ये आपके हेड की बोन होगी और ये आपकी नेक की बोन होगी। ठीक है, अब नेक की बोन का ये वाला पार्ट आपके हेड की बोन में इस तरीके से फिक्स होता है, जिससे कि हमारा जो हेड है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, अब जैसे इस इमेज में देखो, ये जो बोन्स हैं ये हमारी नेक की बोन है। ठीक है, और ये जो अपर टू बोन्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये हेड की बोन होगी, ये हमारी नेक की बोन होगी। ठीक है, और ये एक रिंग की तरह के स्ट्रक्चर में यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं। एक और इमेज में दिखा देती हूँ मैं आपको, अब इसमें देखो, इसको अच्छे से, इसमें अच्छे से समझ आएगा। ये आपकी जो बोन है वो क्या है, आपकी एटलस है। ठीक है, और ये आपकी एक्सिस है, एक्सिस आपकी हेड बोन होगी, और ये आपके जो एटलस है, एटलस के अंदर ये जो एक्सिस है वो फिट हो जाती है, जिससे कि हमारी जो गर्दन है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में और लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ठीक है,